के अंदर ये बात आप तरीके से आप चीजों को याद करके गए होते हैं, आपसे कभी भी चीजें वैसी नहीं पूछी जाएंगी। एग्जामिनर चीजों को हिलाएगा, आपके सिर्फ बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए आपके पास, बाकी न्यूट्रल होके जो भी आपसे पूछा गया है आपने उसका जवाब दे देना है। बी क्रिएटिव, बी क्रिएटिव, और एतमाद रखें अपने आप के अंदर। एक चीज अगर आपके लिए नहीं है तो यार वो बाकी बच्चों के लिए भी नहीं है। आप लोग तो फिर क्लासेस ले रहे हैं बाकायदा एक ऐसे बंदे से जिसने जिंदगी में 12 साल खुद लगा दिए सीएचएस में अपना सीएचएस करने के बाद, तो आप तो बाकी बहुत सारे बच्चों से आगे अच्छे हैं। बाकी बच्चों ने कैसे करना, तो खुद सोचें, खुद सोचें, अपने अंदर ये तमाद पैदा कीजिए। शेर मोहम्मद बुट्टी सवाल करें। डॉक्टर साहब सवाल कीजिए जल्दी, क्लास का टाइम ओवर हो गया हुआ है। ओके क्लास, जी जी पूछें पूछें। चले माइक बंद करें, माइक बंद करें। शेर मोहम्मद बुट्टी साहब ने पूछा है मेरी तकरीर सुनने के बाद कि हम क्रिएटिविटी कैसे पैदा करें। बात तो ठीक है, देखिए क्रिएटिविटी सोचने से आती है, अपने दिमाग को सोचने पर लगाएं। अब वो सोचा कैसे कैसे जा सकता है, मसलन मैं, मेरे पास जब भी कोई आता है ये कहने के लिए कि जी मेरा बच्चा सीएसएस कर जाएगा या नहीं कर जाएगी, बेटा कर जाएगा या नहीं कर जाएगी, उसका जो मैं टेस्ट लेता हूं दो तीन, उनमें से एक टेस्ट ये भी है कि मैं कहता हूं कि एक रुमाल है, इस रुमाल को आप सोचें कितने तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं, कितने तरीकों से। अब खुद से सोच सोच के वो तरीके लिखना शुरू करें। अगर आप 15-16 से ऊपर तरीके लिख रहे हैं एक रुमाल के यूज के, रुमाल के बीच में सिक्के भी बांधे जा सकते हैं, रुमाल से पसीना खून साफ करना ये उसका आम यूज है जो हर बच्चा करता है, रुमाल के बीच में चावल भी बांधे जा सकते हैं, रुमाल के ऊपर ड्राइंग भी हो सकती है, रुमाल के थ्रू किसी को आप मैसेज भी कोई ना कोई कन्वे कर सकते हैं लिख के उसके ऊपर, रुमाल को आप वेव कर सकते हैं एज ए स्टाइल, रुमाल को आप अपनी आंखों पर बंद करके रात को सो सकते हैं। दिस इज क्रिएटिविटी, आपने अपने दिमाग को सोचने पर लगा दिया। ऐसी छोटी छोटी चीजों में अपने दिमाग को सोचने की आदत डालें, आदत डालें खुद से कि जी मेरे मसलन क्या, मेरा कमरा है, ये कमरा मैं कैसे नीट एंड क्लीन बना सकता हूं, खुद से सोचें। बी क्रिएटिव, बी क्रिएटिव, ये मेरी दीवार है, इस दीवार का मैं क्या यूज कर सकता हूं, बी क्रिएटिव। ये सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग मुख्तलिफ चीजें सोचने का आदी हो जाएगा, आपने उसकी प्रैक्टिस करवाई होगी। जैसे बॉडी बिल्डिंग है ना, बॉडी बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग क्या है, एक आम आदमी का मसल देख लें और एक उस आदमी का मसल देख लें जो एक्सरसाइज करता है, वो उसका मसल जो है बहुत बड़ा हो चुका होता है, वो कैसे होता है, उसने उस मसल पर बोझ डाला होता है, अपने दिमाग पर बोझ डालें, जोर डालें, वो ऑटोमेटिकली मजबूत होता जाएगा और चीजें सोचेगा। जुमना सवाल कोई मजीद करना है आपने, वरना मैं ये खत्म करूं उसके बाद इस्लामियत पढ़ते हैं। ये तो है, लेकिन आपने यमुना ने ये पूछा है कि अगर टॉपिक हो कि कोविड हैज मेड ए मैन मोन हम्बल, तो इस पे लिखने का रूम ज्यादा है बनिस्बत इसके कि कोविड ने जो एजुकेशन सेक्टर पे जो इम्पैक्ट किया, जो टॉपिक मैंने उनको दिया था। बात आपकी ठीक है, जो हम्बल वाला है उसका उसका स्कोप मजीद ज्यादा है, लेकिन आपने तो उसी पे लिखना है जो आपको एग्जामिनर ने टॉपिक दिया है ना। आप टॉपिक अपनी मर्जी से तो यमुना चेंज नहीं करेंगी ना, आपको जो एग्जामिनर ने दे दिया उसी के अंदर रह के आपने खेलना है, तो उसके अंदर भी खेलने के लिए बहुत बहुत स्कोप है। और बच्चों ने आपके सामने ये टॉपिक मैंने किसी को नहीं पढ़ाया, लेकिन बच्चों ने इसके ऊपर 7-8-9 बच्चों की मैंने आपको चेक करके भेजे, कोई एक दो के रह भी गए हैं जिन्होंने पास किया है, 2-3-4 ने, उन्होंने भी अच्छा लिखा है, बच्चों ने इस पर सोच के अच्छा लिखा हुआ है। आप क्या कीजिए, जो मैंने आपके साथ एसेज शेयर किए ना बच्चों के, उनको सारों को पढ़ें। क्रिएटिविटी लाने का यह भी तरीका है कि आप दूसरों को लिखा हुआ पढ़ें कि दूसरे बच्चे क्या करते हैं, इससे क्या हो जाता है आपके ज़ेहन वसी हो जाता है। कभी भी किसी एक दूसरे से ये बात याद रख लें, आप उम्मीद है आप ऐसे बच्चे होंगे भी नहीं, कभी भी किसी से जेलसी फील नहीं करनी कभी भी किसी से, क्योंकि ये जो दूसरे हैं आप एक दूसरे से सीखने का जरिया है,
एक दूसरे से सीखें, कोई अच्छा लिखता है उसको पढ़ें, बार बार पढ़ें, बार बार पढ़ें, बार बार पढ़ें, आप उसी से सीख के उससे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। चलें क्लास 7 मिनट हमने ओवर कर दिए, इंशाल्लाह ताला कल मिलेंगे दोबारा। और मेरी आपसे फाइनल एक रिक्वेस्ट है,